हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन चार सिद्धांतों के बारे में, उन चार प्रिंसिपल्स के बारे में जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्रीमान एपीजे अब्दुल कलाम सर के द्वारा बताए गए हैं। उनका मानना था ये जो चार नियम हैं वो हर स्टूडेंट्स को, हर इंसान को खुद पर अप्लाई करना चाहिए। अगर कोई भी स्टूडेंट्स या कोई भी इंसान इनको अपने जीवन में उतार लेता है और उनको फॉलो करता है तो इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उस इंसान की कदमों में ना गिर जाए। इन चारों प्रिंसिपल्स को हम पूरी डिटेल्स में समझेंगे ताकि आपको इन्हें फॉलो करने में आसानी रहे। पहला, आई विल हैव ए ग्रेट एम। हमेशा अपने आप को याद दिलाएं कि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। अपने आप को बोलिए कि आई विल हैव ग्रेट एम। दोस्तों, सन 1958 की बात है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने मेहनत करके पायलट बनने के लिए सारी परीक्षाएं पास कर ली, लेकिन पायलट की वैकेंसी में केवल 8 सीटें ही थी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 9th नंबर पे थे। अब उनका सिलेक्शन केवल तभी हो सकता था जब उनके ऊपर 8 कैंडिडेट में से या तो कोई अपनी वैकेंसी छोड़ दे या फिर मेडिकल में आउट हो जाए। लेकिन इनको इस बात का काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि उनका सिर्फ एक रैंक की वजह से वो सिलेक्शन से आउट हो गए। लेकिन उन्होंने ये स्वीकार किया है कि इट वॉज ए डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी बट डिसअपॉइंटमेंट कुड नॉट डिफाइट मी, यानी कि मैं निराश जरूर हुआ था लेकिन निराशा कभी मुझे हरा नहीं सका। उन्होंने ठान लिया था कि भले ही पायलट बन के एयरक्राफ्ट ना उड़ा सकूँ लेकिन एक इंजीनियर बन के, एक साइंटिस्ट बन के एयरक्राफ्ट जरूर बना सकता हूँ, मिसाइल बना सकता हूँ, रॉकेट बना सकता हूँ। और दोस्तों, ये तो किसी को नहीं पता कि अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पायलट बनते हैं तो वो कहाँ तक पहुँच पाते, लेकिन उन्होंने इस बात को जरूर साबित किया कि अगर वो पायलट नहीं बन पाए तो उन्होंने रॉकेट और मिसाइल जरूर बना दिया। और भले ही वो इंडियन एयरक्राफ्ट के पायलट नहीं बन पाए लेकिन राष्ट्रपति जरूर बने, जो कि तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ होते हैं और तीनों सेनाओं में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स भी होती है। दोस्तों, उनका कहा गया रूल नंबर 1, हमेशा अपने आप को बोलिए कि आई विल हैव ए ग्रेट एम, मैं अपना लक्ष्य हमेशा जिंदा रखूँगा, ये प्रॉमिस हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहो। नंबर 2, आई विल कंटिन्यूअसली एक्वायर्ड नॉलेज। दोस्तों, ये रूल कहता है कि आई विल कंटिन्यूअसली एक्वायर्ड नॉलेज, यानी कि हमेशा लगातार ज्ञान हासिल करता रहूँगा। अब उनके इस दूसरे रूल को उन्हीं के जीवनी से समझते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। वो एक इंजीनियर थे, एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बहुत सारे मिशन को लीड किया है और सक्सेसफुल भी बने। उन्होंने पद्म भूषण और भारत रत्न जैसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी जीते, लास्ट तक भारत के राष्ट्रपति भी बने। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ये माना कि वो अपने आप को एक टीचर समझते हैं, वो अपने आप को एक अध्यापक समझते हैं। और उनके सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब उनका कोई स्टूडेंट्स पीएचडी पूरी कर लेता है, यानी कि उनके लाइफ में अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत कोई चीज़ थी तो वो थी एजुकेशन, नॉलेज। उनका मानना था कि एजुकेशन के लिए, यानी कि ज्ञान के लिए जो सबसे अच्छा समय होता है वो होता है स्टूडेंट्स लाइफ। और किसी भी इंसान के सक्सेस के पीछे उसके एजुकेशन का, उसके नॉलेज का सबसे बड़ा हाथ होता है। उनका ये मानना था कि अगर एक स्टूडेंट्स का सबसे प्राइमरी कोई जॉब है तो वो है अच्छी शिक्षा ग्रहण करना। एक विद्यार्थी की एजुकेशन के अलावा किसी दूसरे चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर एक स्टूडेंट्स एजुकेशन के अलावा कुछ और करना चाहता है तो वो वीकेंड्स में किसी हॉस्पिटल के बाहर गरीब आदमी के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर सकता है, उन्हें खाना दे सकता है, उन्हें खुशी दे सकता है, पेड़ पौधे लगा सकते हैं, दूसरे को भी शिक्षा दे सकता है। लेकिन इन सब कामों के बावजूद भी एक स्टूडेंट्स के लिए केवल नॉलेज हासिल करना ही सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यानी कि आपको हमेशा अपने आप को ये याद दिलाना है कि चाहे कुछ भी हो मैं सीखना नहीं छोड़ूंगा। रूल नंबर 3, आई विल डू हार्ड वर्क। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का तीसरा नियम था कि अपने आप से हमेशा ये प्रॉमिस करें कि मैं हमेशा हार्ड वर्क करता रहूँगा, यानी आई विल डू हार्ड वर्क। दोस्तों, 1973 की बात है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्पेस के अंदर के चेयरमैन प्रोफेसर
सतीश धवन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से कहा, हमें एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाना है, यानी कि एक ऐसा रॉकेट जिसमें हम सैटेलाइट रख करके उसको हम अंतरिक्ष में भेज सकें। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार किया। वो इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे, यानी कि पूरी टीम उनके नीचे काम करना था। उनके नीचे 1000 से भी ज़्यादा दूसरे इंजीनियर थे और करीब 10,000 वर्कर थे। इनके अलावा भी ऐसे कई सारे लोग थे जो इन डायरेक्टली इस मिशन से जुड़े हुए। इतनी बड़ी टीम को 6 साल का वक्त लगा प्रोजेक्ट शुरू करने से लेकर लॉन्च के दिन तक। 17 अगस्त 1979 इस तारीख को सैटेलाइट लॉन्चर का टेस्ट होना था। लॉन्च के 8 मिनट पहले सारा कंट्रोल कंप्यूटर के हाथों में दे दिया गया, लेकिन उसी वक्त एक चेतावनी आया कि लॉन्चिंग में कुछ दिक्कत है। लॉन्च के ठीक 4 मिनट पहले ये डायग्नोसिस किया गया कि कुछ लीक्स है, लेकिन उनके टीम के जो एक्सपर्ट्स थे उनके ये राय थे कि लीक्स के बावजूद भी रॉकेट में इतना सफिशियंट ऑक्सीडाइजर है कि वो अपना लॉन्च जारी रख सकते हैं। और मिशन लेटर होने की वजह से डॉक्टर कलाम को ये डिसाइड लेना पड़ा कि वो लॉन्च करेंगे। लेकिन जैसा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रूल नंबर 3 में बताते हैं कि हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहें कि आप मेहनत करते रहेंगे, ठीक उसी नियम का अनुसरण करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी टीम के साथ 1 साल और मेहनत करी और प्रोजेक्ट के शुरू होने के 7 साल बाद आखिरकार उन्होंने साबित करके दिखाया कि कड़ी मेहनत आपकी असफलता को सफलता में बदल सकती है। यानी कि आप हमेशा अपने आप से कहते रहे, आई विल डू हार्ड वर्क। रूल नंबर 4, आई विल परसिवियर एंड सक्सीड। दोस्तों, जो कहानी मैंने रूल नंबर 3 में बताई जिसमें 7 साल बाद जाकर मिशन सफल हुआ, वही से निकल के आते हैं रोल नंबर 4, यानी कि हमेशा अपने आप को ये याद दिलाते रहे, आई विल परसिवियर व्हेयर आई विल सक्सीड। यानी कि लगातार काम करना, हम जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को लगातार करते रहे, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ते रहना, अपने शब्दों पे और अपने वचनों पे कायम रहना। किसी में इतनी हिम्मत ना हो कि आपको हौसलों को कम कर सके। हम में से ऐसे कोई सारे लोग हैं जिनकी आंखों में कुछ सपना है, जो लोग कुछ करना चाहते हैं वो काम करना शुरू करते हैं अपने सपनों पर, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उनकी विल पावर कम होती जाती है। दोस्तों, आपको किसी भी कीमत पे अपने हौसलों को नहीं टूटने देना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मानना था कि आप तब तक अपना जिद ना छोड़िए जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच जाते, और अपना लक्ष्य है आपकी यूनिकनेस, आपका सबसे अलग होना, आपका पहचान सबसे अलग होना, और आपके इस यूनिक बनने के सफर में आपकी प्रॉब्लम्स का सबसे अहम रोल होता है। अगर आप अपने प्रॉब्लम से डरना छोड़ दिया, उन पर से ध्यान हटाकर उनके हॉल के बारे में सोचना शुरू कर दिया और उन पर काम करना शुरू कर दिया, तो आप किसी ना किसी दिन इस दुनिया में सफल जरूर हो जाओगे। दोस्तों, लास्ट में एक बार और इन चारों रोल्स को बताता हूँ। अपने आप को याद दिलाए कि आपके पास में एक बहुत बड़ा सपना है, यू हैव मस्ट हैव ए बिग ड्रीम। अपने आप को हमेशा याद दिलाए कि आपको सीखना नहीं छोड़ना है, यू मस्ट कंटिन्यूअसली एक्वायर्ड नॉलेज। कड़ी मेहनत करें और हार्डवर्क कंटिन्यूअसली करते रहे, और ऐसा अगर आप करते रहे तो आप एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। आज हमारे बीच में मिसाइल मैन, इंजीनियर, वैज्ञानिक और भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर नहीं है। जैसा कि उन्होंने ये बताया था कि वो अपने आप को एक अध्यापक ही समझते हैं। कलाम सर अपने आखिरी सांस भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग के स्टूडेंट्स को एक लेक्चर देते हुए कि जिस लेक्चर का टॉपिक था क्रिएटिंग ए लेबिएबल प्लैनेट अर्थ, वो 4,000 वर्ड्स का उनका लेक्चर अधूरा रहा। मानो उनका कहना ये था, जाते जाते कि वापस फिर आऊँगा लौट के, लेकिन प्रकृति के नियम को कौन बदल सकता है। आइए आज हम एक शपथ लें कि जो रास्ता हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने हमें दिखाया, उस पर हम लगातार आगे बढ़ते रहें और अपने वचनों पे कायम रहें, और अंत समय तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर को हमारे खुद के अंदर जिंदा रखें और पूरी दुनिया को दिखा दें कि हिंदुस्तान से बेहतर कोई दूसरा देश नहीं हो सकता। अपने अपनों का पूरी रफ्तार के साथ पीछा करते रहिए और दुनिया में
खुद के साथ साथ देश का नाम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।